हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मटर पनीर। जिसके लिए चाहिए हमें 3 प्याज, 3 टमाटर, 3 हरी मिर्च, 8 से 10 कली लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक। ये सारी चीज़ें हम फ्राई करेंगे। 1 चम्मच जीरा, कसूरी मेथी, 1 तेज़पत्ता, साबुत लाल मिर्च, 1 250 ग्राम मटर फ्रेश, 250 ग्राम पनीर जिसे मैंने ट्यूब्स में काट लिए हैं, आप किसी भी आकार में काट सकते हैं छोटा बड़ा करके, तेल, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1.5 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, हरा धनिया और नमक स्वाद अनुसार। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज और टमाटर हम काट लेंगे। प्याज और टमाटर हमने लंबे आकार में काट लिया है इसे। अब हम बर्तन रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, 1/2 चम्मच तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम पनीर। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें पनीर को, हल्का सा रोस्ट करना है बस। देखिए इसी तरह से बस पनीर को फ्राई करना है हल्का सा। इसे निकाल ले पनीर को। अब तेल थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें से मैं तेल निकाल रही हूँ थोड़ा। अब इसी तेल में डालेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा। जीरा हमारा लाल हो जाए तो इसमें डालेंगे हम प्याज। ये 3 बड़े प्याज है, इसे लंबे आकार में मैंने इसे काट लिया है। इसे हल्का सा रोस्ट कर ले। अब इसमें डालेंगे हम 8 से 10 कली लहसुन की और 1 इंच तक अदरक। तीन हरी मिर्च काट कर डाल दें इसमें। इसे मिक्स कर लें। टमाटर डालें। 3 टमाटर है ये, इसे लंबे आकार में इसे काट लिया है और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर ले। इसे ढक दे। इसे 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकाए ढककर और बीच बीच में चलाते भी रहे। इसे ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लें। बर्तन हमने रख दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल,
इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा, जीरा हमारा रोस्ट हो जाए तो इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता, एक साबुत लाल मिर्च, और जो मसाला हमने भुना हुआ था रोस्ट किया था उसका पेस्ट हम डालेंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। इसे अच्छे से भूने थोड़ा। इसे बीच बीच में चलाते भी रहें। इसे ढक दें। इसे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह हमें पकाना है। हमारे मसालों में से तेल छोड़ दें। इसे हम एक बार और चला लेंगे और फिर ढक देंगे। हमारे मसाले अब तेल छोड़ दिए हैं, हमारे मसाले पक गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच किचन किंग मसाला। ऐसे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें। इसे ढक दे। मसाले हमारे भुन गए हैं। इसमें डालेंगे हम पानी। इसे अच्छी तरह से मिला ले। आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम मटर। ऐसे मिलाकर इसे ढकने के लिए रख दें। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। आधा चम्मच गरम मसाला और कसूरी मेथी। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। इसमें डालेंगे हम पनीर। अच्छे से मिक्स कर ले और 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकाएं ढककर। हमारी सब्जी बनकर तैयार है, मटर पनीर। इसमें डालेंगे ऊपर से हरा धनिया। इसे मिला लें। आप इसे चावल, पराठा, पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।